ने कारतूस की समान बरामद किया है, जब्त किया है। दस दे कि स्पेशल सेल ने कई किताबा भी बरामद कीतिया ने। नीलम के कमरे चो एक शक्की डायरी भी मिली है। शक्की डायरी च कई मोबाइल नंबर भी है। नीलम के बैंक अकाउंट्स बारे भी जानकारी स्पेशल टीम के वालों लई गई है। दस के लखनऊ च मुलजम सागर शर्मा के घर भी रेड पुलिस के वालों की गई। महाराष्ट्र के लातूर च अमोल के घर भी छापेमारी पुलिस के वालों लगातार जारी है। 13 दिसंबर का पूरा घटनाक्रम है जो कि विजिटर्स गैलरी के वो ही जो सागर नाम का शख्स है उसके वालों छलांग मारी गई थी। अंदर दहशत का माहौल फैलाया गया था। बार जो बार भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नीलम जो नादी शख्स है महिला आ देखी जा सकती है तस्वीर इस वालों नारेबाजी की जा रही थी कि तानाशाही बंद करो। इसनों पुलिस ने गिरफ्तार किया। हुण इस पूरे मामले जो जांच है वो तेज हो चुकी है। हालांकि सारे मुलजम पुलिस के वालों काबू कर ले गए ने, पर जांच पड़ताल पुलिस के वालों की जा रही है। इस विचाले पुलिस के वालों छापेमारी इन्हों के घर भी की जा रही है। जो टीम आई थी अभी आई है जो इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य थे जी। इन्होंने कुछ नहीं, जो नीलम की किताब थी जो नीलम के रूम में थी बेड में थी वो ही था जो कुछ भी था। जो दो पता नहीं 3 अकाउंट है उनके, एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवा था सेविंग, एक वो है। सिर्फ ये पूछताछ की और यही लेके गए हैं। तो बैंक अकाउंट लेके गए हैं क्या? हाँ लेके गए हैं। तो किन किन लोगों से बात की? माँ से आपसे और कौन कौन? नहीं बात किसी से नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बात जो उन्होंने मिला वही लेके गए हैं। टीम कितनी देर तक रुकी? टीम हो गया कम से कम 40 मिनट हो गई। 40 मिनट इसमें कितने जेंट्स थे और कितनी लेडीज थी? फीमेल फीमेल दो थी और सारी बाकी जेंट्स थे। तो उनका क्या कहना था मेनली, वो क्या क्या जानना चाह रहे थे? वो हमसे कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ना कुछ सवाल किया, कुछ भी नहीं। नीलम को भी वो साथ लेकर आए थे? नहीं, अभी नीलम को साथ होने के लिए नहीं। तो आप लोगों ने पूछा कि नीलम कहाँ है कुछ? हाँ हमने पूछा था कि हमें नीलम से मिलने के लिए बोला था, तो वो बोले कि आपने कोर्ट में अर्जी डाल रखी है, जैसे ही वहाँ से अप्रूव मिलती है तो आप मिल सकते हो। नीलम की एक दोस्त थी PG में रहती थी, वो भी जींद की बताई जा रही है। नहीं उसके बारे में कुछ पता आपको? अगर उसका कोई नाम बताओ, अगर मेरे को पता होगा तो मैं जरूर बताऊँ। तो इन अधिकारियों ने बताया कि कुछ नाम वगैरह अपना कुछ पता या आइडेंटिफिकेशन दी? ये टीम कहाँ से थी? ये टीम दिल्ली से थी। तो कोई और से विभाग से, स्पेशल सेल से थी, IB से थी, कहाँ से थी, कुछ बताया? ये नहीं बताया इन्होंने। तो कोई नाम वगैरह बताया उन्होंने? नहीं नाम वगैरह। ये आगे कहाँ की तरफ रवाना होगी कुछ बताया? ये बताया कि दिल्ली जाएंगे सीधा। मेरा मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन पे मौजूद। विजेंद्र जानना चाहेंगे कि मुलजमों के घर दिल्ली पुलिस की छापेमारी, एक डायरी का जिक्र हो रहा है जो नीलम के घर से बरामद हुई है, क्या कुछ खास इस डायरी में? देखिए सर, जो 13 दिसंबर को नीलम पार्लियामेंट के बाहर जबलपुर को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि टीम यहाँ पर रेड करेगी। और कल देर रात यहाँ पर टीम आई है, 15 से 20 पुलिस कर्मचारी, स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही यहाँ। अचानक अलग जो SHO में बलवान सिंह वो साथ रहे और लगभग 40 मिनट तक पुलिस ने नीलम के घर को खंगाला है। उनके उनकी जो किताबें थी वो किताबें भी साथ लेके गई हैं, जो कुछ बैंक खाते हैं उनकी डिटेल्स भी लेके गई है। इसके साथ ही इसके भाई ने बताया कि डायरी है जो नीलम अपनी पढ़ाई के दौरान उसको मेंटेन रखती थी, डायरी को लिखती थी, उसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, उस डायरी में क्या कुछ है। हालांकि ये खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उनके भाई का ये कहना है कि उस डायरी को नीलम लिखती थी, अपने डिटेल्स लिखती थी, उसमें जो भी उसका रूटीन था, जो चीजें थी उसके जिंदगी के बारे में, वो सारी बातें उसमें लिखती थी। तो उस डायरी को भी पुलिस साथ लेके गई है। और इसके साथ ही कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, 2-3 बैंक अकाउंट्स बताए जा रहे हैं, उनकी जो बैंक कॉपी है वो भी साथ लेके गई है। इसके अलावा घर के जो सदस्य हैं उन्होंने दावा किया कि उनसे कोई पूछताछ नहीं की है और नीलम को साथ नहीं लाया गया था। हालांकि परिजनों ने दिल्ली कोर्ट में अर्जी लगाई है उनसे मुलाकात करने के लिए और फिलहाल 40 मिनट देर रात टीम रहकर यहाँ से रवाना हो गई और फिलहाल मीडिया से कोई बात टीम ने नहीं की। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमें तमाम जानकारी देने के लिए।